नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। 10 अप्रैल को समय और ट्रैफिक को ध्यान में रखकर निकले बाहर। बिहार में 9 ट्रेनें हुई रद्द, तो इन ट्रेनों का रूट हुआ डाइवर्ट। प्रदेश के सभी जिलों में रामनवमी पर प्रभावित होगी बिजली सुविधा। बिहार आए यूपी के डिप्टी सीएम के काफिले पर हुआ हमला। तेवतिया ने पंजाब के उड़ाए तोते। आईपीएल का 16वां मुकाबला रहा बेहद ही रोमांचक। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10 अप्रैल को समय और ट्रैफिक को ध्यान में रखकर निकले बाहर। रामनवमी को लेकर राजधानी पटना में राम भक्त और हनुमान भक्त का भव्य काफिला निकलता है। ऐसे में राजधानी पटना समेत कई जिलों के ट्रैफिक आपको कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर प्रशासन सजग है और ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने में लगी है। इस वजह से कितने रूट का डायवर्जन किया गया है। आपको बता दें कि रामनवमी को लेकर 9 और 10 अप्रैल को पटना के महावीर मंदिर के पास यातायात व्यवस्था में बदलाव लागू रहेगा। आज शाम 8 बजे से 10 अप्रैल की रात 11 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था बदली हुई रहेगी। अगर आपको राजधानी पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पहुंचना है तो ऐसे में आप वीर कुंवर सिंह पार्क से जीपीओ गोलंबर होते हुए महावीर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वहीं रामनवमी के दिन मंदिर का पट रात के 2 बजे खोल दिया जाएगा और 12 बजे रात्रि तक यानी पूरे 22 घंटे तक पट खुला रहेगा। बिहार में 9 ट्रेनें हुई रद्द, तो इन ट्रेनों का रूट हुआ डाइवर्ट। अगर आप ट्रेन में रोज सफर करते हैं या फिर आज से 13 अप्रैल के बीच ट्रेन से कहीं भी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में आप एक बार ट्रेन का रूट जरूर चेक कर लें। आपको बता दें कि आज से 13 अप्रैल तक कई ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। दरअसल पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के न्यू फरक्का और धुलियान गंगा स्टेशन के बीच नव दोहरीकृत रेलखंड पर परिचालन के लिए 13 अप्रैल तक नॉन इंटरलॉकिंग काम होना है। ऐसे में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सियालदह सहरसा हाटे बाजार एक्सप्रेस अप एंड डाउन रद्द रहेगी। वहीं दिल्ली कामाख्या, गया कामाख्या, गुवाहाटी लोकमान्य तिलक, नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस, इन सभी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में रामनवमी पर प्रभावित होगी बिजली सुविधा। प्रदेश भर में रामनवमी पर बिजली प्रभावित होगी। रामनवमी 10 अप्रैल को इस बार मनाई जा रही है। ऐसे में हर साल इस अवसर पर शहर में जुलूस निकाला जाता है। इस बार भी जुलूस निकलेगा। इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन ने तैयारी कर ली है। प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बैठक कर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। रामनवमी के दिन जुलूस के दौरान बिजली के तार से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर विभाग पहले से ही तैयारी कर रहा है। वहीं सासाराम में कुल 12 घंटे बिजली ठप रहने की जानकारी निकल करके सामने आई है। धूप के सीधे संपर्क में आने से बचे, चमकी बुखार के साथ हीट स्ट्रोक की होती है आशंका। प्रदेश भर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो गया है। बिहार के अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान 40 से ऊपर पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। बेतहाशा गर्मी के कारण धूप के सीधे संपर्क में आने से हीट स्ट्रोक की आशंका भी बढ़ गई है। वहीं बढ़ती गर्मी की वजह से चमकी बुखार के मामले में आने लगे हैं। इसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। सामान्यतः बच्चे और बूढ़े इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं। इस बीच आप लोगों को खास ख्याल रखना होगा। हीट स्ट्रोक और चमकी बुखार एक ऐसी गंभीर स्थिति है, इसमें लापरवाही से रोगी की हालत बहुत गंभीर हो सकती है। इसीलिए धूप के सीधे संपर्क में आने से जितना हो सके बचाव करें। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार को किया जवाब तलब। बिहार में सिर्फ शराब पीने और बनाने वालों को ही नहीं पकड़ा जाता, साथ ही जो शराब बरामद किए जाते हैं उसे भी नष्ट करने का आदेश दिया गया है। बिहार सरकार ने इसे पहले ही जारी कर दिया है। हालांकि ये बातें पटना हाईकोर्ट को रास नहीं आई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध शराब को बरामद कर नष्ट करने से हो रहे प्रदूषण और पर्यावरण पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव के मामले पर राज्य सरकार को जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निर्देशों के जनादेश के खिलाफ है। इस पर अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को 12 अप्रैल 2022 तक रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा गया है। जेल में छापा पड़ने के बाद अनंत सिंह के पास मिली प्रतिबंधित सामान, बढ़ी मुश्किलें। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों पहले बिहार पुलिस के जवानों ने बिहार के अधिकतर जेलों की तलाशी ली थी, जिसके बाद कई जेलों में कैदी के पास से प्रतिबंधित सामान भी मिले थे। उनमें से एक है बेउर जेल में बंद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह। बेउर जेल में छापा मारने के बाद मोकामा के विधायक अनंत सिंह के पास से भी प्रतिबंधित सामान मिले थे, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। जेल के अंदर छापे के दौरान उनके वार्ड से मोबाइल और सिम बरामद हुआ है, जिसका कॉल रिकॉर्ड डेटा यानी सीडीआर के जरिए यह पता लगाने की कोशिश अब की जाएगी कि अनंत सिंह इस दौरान किससे और क्या बातें करते थे। जब्त वाहनों का होगा निपटारा, बनाए जाएंगे सेंट्रल व्हीकल यार्ड। प्रदेश भर में थानों में जब्त वाहन अब पुलिस वालों के सिरदर्द बनती जा रही है। ऐसे ही कबाड़ की तरह पड़े हुए जब्त वाहन थानों की शोभा बढ़ाते रहते हैं, लेकिन अब इसका निपटारा भी जल्द ही होने वाला है। फिलहाल राजधानी पटना के पुलिस थानों में ये काम किया जाएगा।
पटना पुलिस ने जब्त वाहनों के लिए व्हीकल यार्ड बनाने का निर्णय लिया है। राजधानी पटना के थानों द्वारा पकड़े जाने वाले वाहनों को रखने के लिए पटना के शहरी क्षेत्र के पास 20 एकड़ जमीन पर व्हीकल यार्ड बनेगा। ये यार्ड सेंट्रल व्हीकल यार्ड के नाम से जाना जाएगा। किन्नर कैदियों के लिए अलग वार्ड और सेल बनाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने गृह विभाग से मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के जेलों में किन्नर कैदियों के लिए अलग वार्ड और सेल बनाने के मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह विभाग को जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने लॉ फाउंडेशन संस्थान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, हालांकि राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट सुमन कुमार झा ने कहा है कि कारा निरीक्षक की तरफ से दायर जवाबी हलफनामे से कोर्ट को बताया गया है कि गत 25 मार्च तक राज्य के किसी भी जेल में कोई भी किन्नर कैदी नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी। नहीं रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी रामचंद्र खान। पूर्व आईपीएस अधिकारी रामचंद्र खान का निधन पटना के एक अस्पताल में हार्ट अटैक से हो गया। उनके निधन से प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर है। पूर्व आईपीएस रामचंद्र खान भारतीय पुलिस सेवा के एक चर्चित अधिकारी थे। रामचंद्र खान का निधन बीते दिन देर रात पटना के एक निजी अस्पताल में हुआ। रामचंद्र खान बिहार के सख्त आईपीएस अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। रामचंद्र खान करीब 80 वर्ष के थे। जानकारी के मुताबिक रामचंद्र खान की कड़क मिजाजी के कारण 1983 से 84 के समय के कुछ अधिकारियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें वर्दी घोटाले में फंसाया था। हालांकि साक्ष्य नहीं मिलने की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया था। 8 अप्रैल नहीं बल्कि 9 अप्रैल को है अशोक सम्राट की जयंती। सीएम नीतीश ने बताई वजह। एक ओर भाजपा ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती 8 अप्रैल को मनाई, वहीं जदयू 9 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मना रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सम्राट अशोक की असली जयंती कब है। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने साफ बता दिया है कि क्यों आज के दिन सम्राट अशोक का जन्मदिन मनाया जा रहा है। भारत के चक्रवर्ती सम्राट की जयंती पर पटना के गांधी मैदान स्थित अशोक कन्वेंशन सेंटर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि रामनवमी के एक दिन पहले अष्टमी के दिन ही अशोक की जयंती की चर्चा है। ऐसे में हम लोगों ने भी इसी दिन को ही उनकी जयंती का दिन मान लिया। इस दौरान सीएम नीतीश ने अगले साल से सम्राट अशोक की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा भी की। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भक्तों के राहों का कांटा किया साफ। रामनवमी को लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी श्रद्धालुओं की राहों के कांटे को साफ करते हुए दिखाई दिए। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के सदस्यों के साथ मिलकर महावीर मंदिर के आसपास स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। नितिन नवीन ने प्रसिद्ध महावीर मंदिर के सामने गोलंबर की सड़क पर आयोजन समिति के सदस्यों के साथ स्वयं झाड़ू लगाकर और पानी से धोकर सड़क को साफ किया। इस अवसर पर नितिन नवीन ने कहा कि आम जनमानस के लिए रामनवमी महोत्सव शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है और शुद्धता स्वच्छता से आती है। मुकेश सहनी को लगा तगड़ा झटका। वीआईपी के करीब 90 नेताओं ने लिया भाजपा की सदस्यता। मुकेश सहनी को यहां पर तगड़ा झटका लगा है। दरअसल मुकेश सहनी की अध्यक्षता वाली विकासशील इंसान पार्टी के करीब 90 नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने शुक्रवार को ही बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की मौजूदगी में बड़ी संख्या में सदस्यता ग्रहण करवाई है। इनमें से वीआईपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉ राजभूषण चौधरी निषाद, वीआईपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष शम्स आलम उर्फ गुड्डू प्रमुख थे। इनके अलावा भारी संख्या में कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता। बिहार आए यूपी के डिप्टी सीएम के काफिले पर हुआ हमला। सम्राट अशोक की जयंती पर बिहार आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट अशोक की जयंती पर राजधानी पटना में हुए भव्य आयोजन में शरीक होने आए थे। सम्राट अशोक की जयंती में शरीक होने के बाद जब उनका काफिला वापस लौट रहा था, तब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सिक्योरिटी वाहन को कुछ लोगों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। वैसे डिप्टी सीएम अपने चार्टर विमान से यूपी पहुंच गए थे। सिर्फ उनकी गाड़ी पर छपरा जिले के आसपास पथराव किया गया, जिसमें हमलावर को गिरफ्तार भी किया गया है। बोचहा सीट पर भी A to Z समीकरण इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार एमएलसी चुनाव संपन्न हुआ, सभी राजनीतिक पार्टियों का दमखम दिख गया है। अब बोचहा की सीट पर उपचुनाव होना है। अब यहां सभी पार्टियां अपना जोर लगाएंगी। जैसा कि 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव ने A to Z समीकरण इस्तेमाल किया था और भूमिहार समेत स्वर्णों में जमकर टिकट बांटे, जिसमें 5 में से 3 उम्मीदवारों की जीत भी हुई। उसी तरह बोचहा उपचुनाव में भी खुलकर राजद को A to Z की पार्टी बताने में लगे हैं। विधान परिषद के ही तर्ज पर अब तेजस्वी बिहार उपचुनाव में स्वर्ण वोटरों को अपने साथ लाने के प्रयास में है। तेवतिया ने पंजाब के उड़ाए तोते। आईपीएल का 16वां मुकाबला रहा बेहद ही रोमांचक। आईपीएल के 15वें सीजन का रोमांच चरम पर है। इसी क्रम में बीते दिन खेले गए पंजाब और गुजरात के बीच आईपीएल का 16वां मुकाबला बेहद ही कांटे की टक्कर वाला और रोमांच भरा रहा। आईपीएल 2022 सीजन में शुक्रवार को ऑलराउंडर राहुल तेवतिया की बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला। उन्होंने आखिरी 2 गेंद पर 2 लंबे छक्के जमाकर अपनी गुजरात टाइटन्स टीम को शानदार जीत दिलाई। पंजाब किंग्स के खिलाफ ये मैच बेहद रोमांचक रहा, जो गुजरात ने 6 विकेट से जीत लिया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनाली सिन्हा, कुश यादव, रंजीत मेहता, शंकर मुखिया, अजय भारती, महेश दास, कविता कुमारी, ध्रुव कुमार, परशुराम लाल,
कुमार ज्ञानी कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सही है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।